सत श्री अकाल पीटीसी वेखने वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा। वेखदे हां खबरां विस्थार दे नाल। कोटकपुरा गोलीकांड मामले च अज फरीदकोट की अदालत विच सुखबीर सिंह बादल ने अर्जी पाई है। नाल ही साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी पटीशन दायर की है अगाऊ जमानत दे लई। जी हाँ, अगाऊ जमानत दे लई पटीशन पाईआं गईआं ने। 14 मार्च नूं हुण इन्हां अर्जियां ते सुनवाई होवेगी। दस दिए कि कोटकपुरा गोलीकांड मामले च पेश चलान दे विच प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर सिंह बादल नूं मुलजम बनाया गया। अदालत ने 23 मार्च में सुखबीर सिंह बादल ते प्रकाश सिंह बादल नूं पेश होने के हुक्म दिते ने, पर अगाऊ जमानत की अर्जी पाई गई है प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर सिंह बादल वालों, जिसनूं लैके 14 मार्च में अदालत दे विच होवेगी सुनवाई। तुहानूं दस दिए इस पूरे मामले दे विच सरकार ते श्रोमणी अकाली दल पहला ही हमलावर है। श्रोमणी अकाली दल वालों लगातार कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस मसले पर कई सालों तो सियासत खेडी जा रही है, जबकि हुण जद चलान पेश किया जा चुका है। तुहानू दस दईए तां अदालत ने सारे नामजदा नूं कोर्ट दे विच पेश होण दे लई हुक्म सुनाया, पर इस मामले दे विच अगाऊ जमानत दे लई पिटीशन दायर की गई है, जिस दे उपर 14 मार्च नूं कोर्ट सुनवाई करेगा। इसे खबर ते साडे सहयोगी अमनदीप लक्की साडे नाल जुड़ चुके ने होर अपडेट देण दे लई। जी अमनदीप, जानना चाहांगे तुहाडे कोलों, लगातार सरकार दे उपर इल्जाम लग रहे ने कि गोलीकांड मामले दे विच सिर्फ और सिर्फ सियासत खेडी जा रही है, पर हुण मामला कोर्ट दे विच है ते कोर्ट दे विच उन्हां गांव जमानत अर्जी भी दाखिल की गई है। की कुछ है अपडेट इस मसले नूं लैके? जी बिल्कुल अमित, मैं दसना चाहूंगा कि 2015 दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दा जिहड़ा मामला सामने आया सीगा, उस तों बाद समय समय दीआं सरकारां आपदी इन्वेस्टिगेशनां करदियां रहियां, लेकिन पिछली कांग्रेस दी सरकार जदों बनी उदों वी सियासत कीती गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों गुटखा साहब हाथ च फड़ के उदों सौवां खा के सरकार बनाई, उह हुण जिहड़ी हुण दी मौजूदा सरकार है इह वी इसे ते सियासत करदी रही, ते सियासत कीती जा रही है। इस ते चलदिआं जेकर गल कर लीए तां कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच जिहड़ी SSI हैगी आ, उहनां वल्लों जिहड़ा साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अते जिहड़े साबका उप मुख्यमंत्री सी सुखबीर सिंह बादल, उहनां दी जिहड़ी उहनां वल्लों जिहड़ी हैगी आ अर्जी दाखल कीती गई आ वधीक जिला सैशन जज जिहड़े हैगे ने माणयोग राजीव कालाला दी अदालत दे विच, और जिहड़ी अगली सुनवाई आ 14 मार्च नूं रखी गई हैगी। उहनां ने मंग कीती है कि उहनां नूं अगाऊ जमानत दित्ती जावे, और इसे जिक्र जरूर करना बनदा हैगा कि 24 फरवरी नूं फरीदकोट की जी मानयोग अदालत है वो कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जी SIT जांच कर रही थी, उन्होंने चलान पेश करके जिहड़े ये प्रकाश सिंह बादल हैगे ने जिहड़े साबका मुख्यमंत्री और डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल और होर उन्होंने नाल कई पुलिस के उच्च अधिकारी सके, उन्होंने नाम जिहड़े हैगे उन्होंने नामजद किए थे, और उन्होंने इस गल दे विच JMIC फरीदकोट की अदालत में 6 मार्च में सारे नामजदां नूं जिहड़ा 23 मार्च में पेश होने लई नोटिस जिहड़ा हैगा जारी किया, लेकिन हुण पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अते डिप्टी साबका डिप्टी मुख उप मुख्यमंत्री जिहड़े हैगे सुखबीर सिंह बादल उन्हां वल्लों अदालत दे विच अप्रोच की गई हैगी आ, उन्होंने अगाऊ जमानत हैगी आ अदालत तों मंगी हैगी आ। बिल्कुल, हुण अदालत की कुछ रुख अख्तियार करदी है वेखना होगा। बेहद शुक्रिया मनदीप, फिलहाल इस सारी जानकारी साडे दर्शकों तक पहुंचाने लई। तां अगाऊ जमानत लई पाई गई अर्जी के उपर 14 तरीक 14 मार्च में हुण सुनवाई होगी। सुखबीर सिंह बादल ते प्रकाश सिंह बादल वालों अगाऊ जमानत लई अर्जी दाखिल की गई है, क्योंकि इल्जाम लगातार श्रोमणी अकाली दल सरकार के उपर लगा रहे। सरकार के उपर इल्जाम है कि गोलीकांड मामले के कोटकपुरा गोलीकांड मामले के सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सियासत हो रही है।